हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जगदीप और आज हम इस वीडियो में ये फाइंड आउट करेंगे कि एग्जाम टाइम पे हम किस तरह से पढ़ सकते हैं और किस तरह से अपनी लर्निंग को बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई और एचएसई दोनों के ही एग्जाम डेट शीट्स आ गई हैं और सीबीएसई का जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो है 18 मार्च को और एचएसई का जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो है 9 मार्च को। अब बाकी सारे बच्चों को ये पता ही होगा कि इकोनॉमिक्स के पहले हमें 1 या 2 दिन की मिनिमम छुट्टी डेफिनेटली मिलती है। अब उस छुट्टी में हम किस तरह से अच्छे से पढ़ सकते हैं, किस तरह से हम रिवीजन कर सकते हैं, किस तरह से हम उन टॉपिक्स पर फोकस कर सकते हैं जो हमें नहीं आता है, इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। सो मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप लोगों ने एटलीस्ट एक बार तो अब ये सिलेबस डेफिनेटली पढ़ लिया होगा, आपने एटलीस्ट 1 बेसिक रीडिंग इस सब्जेक्ट को जरूर दी होगी। कुछ एक महान करिश्मे ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि एग्जाम से पहले जो 3-4 दिन की छुट्टी मिलती है उसी में हम फुल एंड फाइनल अपनी रिविजन दे देंगे और वही पढ़ करके हम जाएंगे एग्जाम लिखने। तो इस तरह के भी कुछ केसेस हो सकते हैं, अगर आप इनमें से हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। अब सीबीएसई बोर्ड में आपके पास 2 मेजर सेगमेंट्स है इकोनॉमिक्स में, एक है मैक्रो इकोनॉमी और एक है इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने जो चैप्टर्स हैं उनके वेटेजेस निकालेंगे। सीबीएसई में आपके पास 2 मेजर सेक्शंस हैं, एक है मैक्रो इकोनॉमी और एक है इंडियन इकोनॉमी। अब इन इंडिविजुअल सेगमेंट्स में कितने चैप्टर्स हैं और उनके क्या क्या वेटेजेस हैं, अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन है तो आपके लिए स्टडी करना थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली पॉसिबल है। इट इज़ पॉसिबल कि आप पास मार्क्स से थोड़ा बेटर स्कोर कर लो इवन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। सबसे पहला जो आपका मॉड्यूल है वो है मैक्रो इकोनॉमी। अब इन चैप्टर्स के इंडिविजुअल वेटेजेस अगर आपको पता है तो यू वुड डेफिनेटली बी ऑन अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड कि भाई आपको कितना आता है और आपको किन किन चैप्टर्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस देना है। इन चैप्टर्स का वेटेज यहाँ पर लगा है एंड वी कैन सी कि नेशनल इनकम पे आपके 10 मार्क्स का वेटेज है, मनी एंड बैंकिंग पे 6 मार्क्स का, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में 12 मार्क्स का वेटेज है, गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स के वेटेज पे है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी 6 मार्क के वेटेज पे है। यानी कि ओवरऑल ये पूरा सेगमेंट जो है 40 मार्क्स का आता है आपके 80 मार्क्स के पेपर्स में से, यानी कि 50% ऑफ योर मार्क्स आपके मैक्रो इकोनॉमिक मॉड्यूल से आते हैं। तो अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा फोकस दें तो 2 ऐसे मेजर चैप्टर्स निकल करके आ रहे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स एलोकेटेड है, एक है नेशनल इनकम और एक है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये दोनों चैप्टर्स थियोरेटिकली भी बहुत फास्ट हैं और इन पे न्यूमेरिकल्स भी आपके पेपर्स में आते हैं, तो आपने अगर अच्छे से इनको पढ़ लिया, अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर ली तो आउट ऑफ 40 22 मार्क्स का आपका जो सेगमेंट है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। एंड नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों ही बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स नहीं हैं, इनके सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी एंड लर्न व्हाटएवर यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट इन दीज 2 चैप्टर्स। उसी तरह से आपका सेकेंड मॉड्यूल है जो कि है इंडियन इकोनॉमी में, और इंडियन इकोनॉमी में आपको दोबारा से यहाँ पे या कहीं यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख जाएगी जिसमें चैप्टर्स के वेटेजेस लिखे हैं एंड दोज चैप्टर्स आर डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 जो कि 12 मार्क्स का है, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी जो कि 20 मार्क्स का है, एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया जो कि 8 मार्क्स का है। बेसिकली यहाँ पे कंपैरिजन है इंडियन और चाइनीज इकोनॉमीज का, ठीक। ये बहुत ही सिंपल सेगमेंट्स हैं। इंडियन इकोनॉमी में पढ़ने के लिए ऐसा अंडरस्टैंडिंग बेस के लिए बहुत कुछ नहीं है, स्टोरी बेस पे ये पूरा चलता है क्योंकि हिस्ट्री है ज़्यादा करके इसमें, तो अगर आप उसे एज अ स्टोरी याद करो तो बहुत इजीली याद हो जाएंगे। कुछ एक सेगमेंट्स हैं जहाँ पे थोड़ी टेक्निकलिटीज हैं जैसे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है और करंट चैलेंजेस हैं जो इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है। इन दोनों सेगमेंट्स में थोड़े थोड़े चीज़ें हैं जो टेक्निकल हैं, जहाँ पे homeproduction.com नहीं चल पाएगा आपका, एंड इन दैट केस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चैप्टर्स को या उन सेगमेंट्स को जो थोड़े से टेक्निकल है उनको थोड़ा अच्छे से रीडिंग दो। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इन चैप्टर्स में से जिनमें सबसे ज़्यादा वेटेज दी गई है पिछले 5 साल के पेपर्स में से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं। आपने उन टॉपिक्स को याद करना है या अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, एंड रीड करके आपको उसको रिकॉल कैसे करना है इसके लिए मैंने दोबारा एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देखें एंड उसमें जो प्रिंसिपल्स या जो टिप्स मैंने दी हैं आप उनको फॉलो करें तो आपके लिए ये सारे चैप्टर्स रीड करना बहुत आसान हो जाएगा। दिखने में सिर्फ
10-11 चैप्टर्स है, आई नो सिलेबस बहुत वास्ट है, पर अगर हम इसे टैक्टफुली पढ़ें और स्ट्रेटेजिकली अगर हम इसे अप्रोच करेंगे तो गिन के जो 3-4 दिन की आपकी छुट्टियां हैं एग्जाम से पहले की, उसमें भी आप काफ़ी कुछ अच्छे से पढ़ लोगे और काफ़ी अच्छे एक रिस्पेक्टेबल मार्क्स जो बोलते हैं वो आप डेफिनेटली अटेन कर सकते हैं। अब हमने दो चीज़ें कर ली, क्या की हमने, हमने वेटेजेस देख ली, हमने पास्ट पेपर्स ले लिया और मार्कडाउन कर लिए कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अब उन चीज़ों का एक छोटा सा मेंटल नोट या लिस्ट आप बना लो और उनको आप धीरे 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 करके रीड करना शुरू करो। आपको अगर YouTube वीडियोस मिल जाती हैं उसके लिए तो YouTube वीडियोस आप देख सकते हैं, आपके पास कहीं पे कोई नोट्स हैं तो उन्हें आप रीड कर सकते हैं। यूज दोज मीडियम्स एंड वहाँ से आप अपनी जो स्टडी स्ट्रेटेजी है वहाँ से आप शुरू करोगे। आई एम श्योर आपने एक रीडिंग तो डेफिनेटली दी है क्योंकि एग्जाम आपके स्कूल में भी होते रहे हैं, तो यू मस्ट हैव गॉन थ्रू फ्यू सेगमेंट्स फ्रॉम दीज चैप्टर्स ऑल्सो दैट यू जस्ट मार्क्ड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो अब जब आप उसे सेकेंड टाइम रीड दोगे तो आपके ब्रेन में उसके जो इम्प्रेशंस है वो थोड़े से ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और आपके लिए उन चीज़ों को याद रखना थोड़ा सा आसान होगा। अब जो भी आपने रीडिंग की है, जो भी आपने स्टडी किया है, रेफरेंस लिया है, उस सारी चीज़ों को आपके दिमाग के अंदर तो हमने रख लिया, अब उसे हम टेस्ट करेंगे। कैसे? यू विल हैव टू राइट क्वेश्चंस एंड आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस, प्रेफरेबली आपके पिछले पास्ट पेपर्स में से। जब आपके पास पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं जो हमने सेकंड स्टेप में निकाले थे, उन क्वेश्चंस को अब आप धीरे 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 लिखना शुरू करेंगे। कैसे लिखना है? ऑब्वियसली आपने सब रीड कर रखा है, यू हैव टू क्लोज द बुक एंड नाउ यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। नाउ द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग, ऑब्वियसली क्योंकि आप ये सेकेंड टाइम ही रीड कर रहे हो या प्रोबेबली थर्ड टाइम रीड कर रहे हो, तो आपको सारी चीज़ें टू द पॉइंट याद नहीं रहेंगी। सो वेर एवर यू आर स्टक, कीप दैट मेंटल नोट इन योर हेड एंड वंस यू आर डन राइटिंग वॉट एवर लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आपने बनाए थे अपने लिए, उन सारे क्वेश्चन को जब आपने लिख लिया तब आप अपनी बुक के पास दोबारा जाओगे और चेक करोगे कि आप कहाँ अटक गए थे और आपने उन पॉइंटर्स को दोबारा से री रीड करना है। जब आप री रीड इस चीज़ को कर रहे हो, जो आपने लिखी, जो आप लिखते लिखते भूल गए, और अब आप जब दोबारा बुक खोल रहे हो, तब आपके दिमाग में इसकी जो इम्प्रेशंस हैं, इस कंटेंट की जो इम्प्रेशंस हैं, ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है एंड ये आप ज़्यादा टाइम तक याद रख पाओगे। और याद रखने के साथ साथ अगर एग्जाम में यही क्वेश्चंस आ जाते हैं तो रिकॉलिंग आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगी, आप तुरंत से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ओके ये क्वेश्चन था, ये मैंने पढ़ा था और ये मुझे फटाफट आप उसी टाइम पर लिख दोगे। तो इसी तरह से आपने अपने पूरे सब्जेक्ट की जो है प्रिपरेशन करनी है और आप अपना जो सिलेबस है उसको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी पैनिक आप इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हो और इजीली बहुत अच्छे से मार्क्स ले सकते हो। अ जेंटल रिमाइंडर, दिस वीडियो इज नॉट टेलिंग यू टू कीप योर स्टडीज राइट टिल द एंड। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, पर कोशिश कीजिए कि अब आगे से जब आप पढ़ोगे, मे बी जब आप कॉलेज में जाओगे, यू विल हैव ऑल योर नोट्स इन प्लेस एंड देन यू कैन स्टार्ट स्टडिंग। बिकॉज आई एम श्योर ये जो चीज़ अब आप कर रहे हो ये कितनी स्ट्रेसफुल है, कितना इसमें टेंशन क्रिएट होता है, माइंड में कितना प्रेशर क्रिएट होता है, और ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपकी स्टडी एक्टिविटीज़ को, आपकी एफिशिएंसी को, आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करती है। सो ट्राई योर बेस्ट, व्हाटएवर यू कैन डू इतने से टाइम पीरियड में। अब जब एग्ज़ाम एकदम शुरू होने वाले हैं, 15 से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं CBSE के, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि भाई अब जो भी हम प्रिपरेशन करेंगे वो फुल एंड फाइनल है और इट हैज़ टू गो इन सच अ वे कि आपके एग्ज़ाम में ये जो पैनिक अब क्रिएट हो रहा है बिकॉज इट्स सुपर स्ट्रेसफुल, इतना सारा हमने जो साल भर मेहनत की है वो अब एग्ज़ाम टाइम आ गया है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके ओवरऑल एफिशिएंसी को इम्पैक्ट नहीं करने चाहिए, नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। तो हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़, हम अपने सिलेबस का वेटेज निकालेंगे, विच चैप्टर व्हाट वेटेज एंड हाउ इम्पॉर्टेंट है ना। ये एक बार हो गया, उसमें से सारे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस निकाल लिए। जैसे ही आप इन क्वेश्चंस को रीड करना शुरू कर दोगे, आपके दिमाग में ये प्रेशर जो बिल्डअप हुआ था नहीं आ रहा है या याद नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में हैं तो वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होनी शुरू हो जाएंगी, रिलीव होना शुरू हो जाएगा एंड यू वुड बी एबल टू फोकस मोर बेटर। अब जब आप लिखना शुरू करोगे अपने आंसर्स तो आपको पता चलेगा कि ओके मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है, मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है, एंड यू कैन गो बैक एंड रीड दैट अगेन। इससे आपका जो ओवरऑल रिविजन का जो
स्ट्रक्चर है वो स्ट्रीमलाइन होगा और आपको पता चलेगा क्योंकि मुझे किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, किन किन चीज़ों को मुझे दोबारा से एक री लुक देना है, सो दैट एग्जाम के टाइम पे जब मैं ये क्वेश्चन एग्जाम में लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ तो मैं ये चीज़ें नहीं भूलूँ। रिविजन कैसे करनी है इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। रिकॉल कैसे करना है इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है। आप इन दोनों वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं एंड इनमें से जो भी प्रिंसिपल्स आपको ठीक लगे, जो भी टिप्स आपको ठीक लगे, आप उन्हें इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज अब टाइम बहुत कम है और हमें इस टाइम को बहुत एफिशिएंटली यूज़ करना है। आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं। एक चीज़ हमें यहाँ याद रखनी है कि अगर हमारे एग्जाम्स अच्छे नहीं जाएंगे ना तो आपके जो 2-3 महीने की छुट्टियाँ हैं ये भी ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि पूरा टाइम जो आपको अब एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए तो ऑब्वियसली याद रहेगा कि ओके पेपर्स अच्छे नहीं गए, रिजल्ट जब आएगा तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो उस टेंशन से फ्रीडम पाने के लिए ये बहुत नेसेसरी है कि आपके एग्जाम्स अच्छे जाएं। इफ़ नॉट द बेस्ट, एटलीस्ट मॉडरेटली ओके तो डेफिनेटली जाने चाहिए। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप थोड़ा सा टैक्टफुली अगर पढ़ें तो बहुत इजीली आप अपना सारा सिलेबस इजीली ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि यहाँ बायहार्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, मेमोराइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं, एक्सेप्ट फॉर डेफिनेशन ऑफकोर्स जो मैंने बहुत वीडियोज़ में ऑलरेडी बताया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप कहीं ना कहीं इससे ज़रूर बेनिफिट होंगे। आप एग्जाम के लिए किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो, क्या अप्रोच आपकी है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई सी यू अगेन इन अदर वीडियो। बाय नाउ, टेक केयर।